दोस्तों, ये है होंडा कंपनी की 110 सीसी सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बाइक होंडा सीडी ड्रीम डिलक्स BS6 मॉडल, जिसमें आपको BS6 इंजन का अपडेट मिलता है। तो इसे 2020 मॉडल भी आप कह सकते हैं। और ये होंडा कंपनी की डेली कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में से एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक में से एक है, क्योंकि इसमें आपको एक बेहतरीन स्टाइलिश लुक और बेहतरीन माइलेज के साथ में एक काफी बेहतर आपको कंफर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो इसकी प्राइस है वो भी आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस देखने को मिलती है, यानी वैल्यू फॉर मनी बाइक है एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में करने वाले हैं इसका रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बाइक के बारे में, और हम करेंगे इसका डिटेल में रिव्यू, और जानेंगे इसके बारे में कि इसमें आपको क्या नई चीजें देखने को मिलती है, और इसकी ऑन रोड प्राइस अब कितने रुपए में देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर AKB। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपनी तरफ से प्लीज लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू होंडा सीडी ड्रीम डिलक्स का VS6 वेरिएंट, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जो स्क्रीन पे आप कलर देख पा रहे होंगे ये है गेनी ग्रे मेटालिक। इसके अलावा इसके तीन कलर वेरिएंट और आते हैं, जिसमें आपको ब्लैक, एथलेटिक ब्लू मेटालिक और इंपीरियल रेड मेटालिक देखने को मिलता है। तो ये कलर जैसे ही एजेंसी उपलब्ध होंगे हम आपको उसका भी वीडियो बना के दे देंगे। और एक चीज का आप गौर कर लीजिएगा, जब भी आप होंडा शोरूम पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला वेरिएंट स्टैंडर्ड वेरिएंट के नाम से आता है और दूसरा आपको डिलक्स वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये डिलक्स वेरिएंट है। इन दोनों में जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि होंडा सीडी ड्रीम डिलक्स के स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको फ्रंट फेंडर से ही रियर प्रोफाइल तक आपको कार्बन फाइबर जैसा एक लुक का डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, जो इसके फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होके इसके रियर प्रोफाइल तक आपको देखने को मिलेगा। बट गौर कीजिएगा, वो कार्बन फाइबर नहीं है, वो कार्बन फाइबर जैसा लुक आपको उसमें देखने को मिलेगा। इन दोनों की अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंट से डिलक्स वेरिएंट की प्राइस में आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, हम आपको इसके दोनों ही वेरिएंट का प्राइस बताएंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज में आपको 63,888 रुपए देखने को मिल जाएगी। वहीं जो इसका डिलक्स वेरिएंट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 64,888 रुपए देखने को मिलेगी इलाहाबाद प्रयागराज में। और अगर हम इन दोनों वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 80,000 से 84,000 रुपए के बीच में इन दोनों ही वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी इलाहाबाद प्रयागराज में। तो ये थी इसकी एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों ही प्राइस। और अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हम फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है CBS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट, यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे आपका अगला ब्रेक पिछले ब्रेक से कनेक्टेड होता है, और जैसे ही आप पिछला ब्रेक अप्लाई करते हैं आपका अगला ब्रेक भी अप्लाई होता है, तो इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होता है और आपकी ब्रेकिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। फ्रंट का जो टायर है वो आपको 80x100 के 18 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे, तो ये काफी सही चीज है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिल जाता है। और वहीं साइड में ही आपको मिल जाता है साइड रिफ्लेक्टर, जो कि BS6 के अपडेट में आते हैं, और ये साइड रिफ्लेक्टर BS6 की सारी बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, तो सस्पेंस क्वालिटी आपको काफी सही देखने को मिल जाएगी। और वहीं जो इसका इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन का बल्ब वाला इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट का जो हेडलैम्प है वो आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ उम्मीद करते थे कि यहाँ पे आपको LED सेटअप जैसा कुछ यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे अभी भी आपको हैलोजन बल्ब ही देखने को मिलता है, जो कि 35x35 वाट का है। तो कोई बात नहीं गाइस, हैलोजन बल्ब की भी विजिबिलिटी आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाएगी। और ये है इसका कैटलिटिक कन्वर्टर, जो कि BS6 के नए अपडेट में आता है। और ये कैटलिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि एक फिल्टर होता है जो आपके इंजन से गैस निकलती है NOx, उसके उत्सर्जन को ये रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि अब आपकी बाइक से पॉल्यूशन पूरी तरह से हट चुका है। और यहाँ साइड पैनल पे आपको मिल जाता है CD110 ड्रीम डिलक्स की बैचिंग, और उसके नीचे आपको हीट BS6 की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम इसके रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें, तो रियर में भी आपको सेम 130mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। और रियर का जो टायर है उसकी भी साइज आपको सेम 80x100 के 18 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। और जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक टाइप शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिल जाएगा। तो सस्पेंस क्वालिटी
क्वालिटी इसमें आपको रेयर की काफी बेहतर मिलती है। वहीं अगर हम रेयर टेल लैम्प की बात करें तो रेयर में आपको बल्ब वाले ही टेल लैम्प देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी स्टिकरिंग में, और जो इसके रेयर के इंडिकेटर है वो भी आपको बल्ब वाले ही मिलेंगे, जिसके नीचे फाइवर फेंडर पे ही आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। तो इस चीज का गौर कीजिएगा कि आपका नंबर प्लेट टूटने ना पाए, नहीं तो ये आपके फाइवर फेंडर को भी तोड़ देगा। और ये देखिए, ये मुझे काफी सही चीज लगती है, इसके साड़ी गार्ड पे आपको फाइवर की एक कवरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करती है और काफी ज्यादा सेफ रहता है कि यहाँ पे आपके घर की कोई लेडीज बैठती हैं तो उनके कपड़े को, उनकी साड़ी को टायर और चैन में जाने से ये काफी ज्यादा रोकने में मदद करता है। तो ये काफी सही चीज मुझे लगती है। और ये है इसका सिटिंग कम्फर्ट, जो की सिटिंग कम्फर्ट काफी बेहतर आपको मिलेगा। इसके सिटिंग कम्फर्ट में कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और ये है इसका मीटर कंसोल, जो कि आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा 2 पार्टीशन में, जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, ये सारी चीजें आपको एनालॉग मिलेगी। फ्यूल इंडिकेटर भी आपको एनालॉग मिलेगा। और जो नई चीज ऐड करी गई है वो है इंजन मॉल फंक्शन लाइट, जो कि BS6 की सारी बाइक में आपको ये इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाता है। बाकी इसके मीटर कंसोल में आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंडल बार पे आपको पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिलेगा, तो स्विचिंग क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिलती है। और राइट हैंडल बार पे आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही स्विच प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपका 3 फंक्शन काम करता है, यानी इसमें आप इंजन क्विल ऑन ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाएगा और पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच भी देखने को मिल जाएगा। इससे आप अपने इंजन क्विल को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, और उससे आप सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है इसका फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 9.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। साइड में आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, पंख का निशान देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको स्टिकरिंग में देखने को मिलेगी, और इसमें आपको काफी बेहतर रेड कलर के ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। अब बड़ा चेंज ये हुआ है कि इसमें आपको अब कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BS6 के अपडेट में जितनी भी बाइकें हैं सब में आपको कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा। अब उसमें आपको FI सिस्टम देखने को मिलता है, यानी फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम, जिसकी वजह से जो आपका फ्यूल है वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है, तो इंजन को उतना ही फ्यूल सप्लाई होता है जितना इंजन को जरूरत होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि अब आपका जो माइलेज मिलेगा इसमें वो आपको पहले से बढ़ा हुआ माइलेज देखने को मिलेगा। मतलब आपको जितना माइलेज पहले मिलता था उससे आपको 4 से 5 किलोमीटर का माइलेज बढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। और माइलेज की बात हो ही रही तो मैं आपको इसका माइलेज बता दूं, तो माइलेज अब आपको इसमें FI सिस्टम होने की वजह से 65 से 70 तक का माइलेज आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें हो गई, बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है, और जो मैक्स पावर मिलेगी वो आपको 8.76 BHP की मिलेगी 7500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 9.30 न्यूटन मीटर का मिलने वाला है 5500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क इसमें आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा 110 सीसी के हिसाब से। और अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 2044 mm, चौड़ाई 736 mm, हाइट 1076 mm, व्हील बेस 1285 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm, वेट आपको इसका 112 kg, यानी 112 kg का आपको इसका ओवरऑल वेट देखने को मिल जाएगा। और जो इसके सीट की लंबाई मिलेगी वो आपको 735 mm की मिलेगी, और जो सीट हाइट मिलेगी वो आपको 790 mm देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।